सर, ये जो बंटवारा हुआ है, मुझे एक किस्सा याद है ऐतिहासिक पुस्तक से। 1947 में जब सर रेडक्लिफ भारत आए और उन्हें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना था, तो वो उन क्षेत्रों में बिना गए एक लकीर खींचते हैं और कहते हैं ये भारत होगा, ये पाकिस्तान होगा, रेडक्लिफ सीमा जो पहचानी जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि रंधावा साहब भी नहीं गए रास्ता में। शेखावाटी का जो हिस्सा, आधा तो रख दिया वीरेंद्र सिंह के पास, आधा रख दिया अमृता धवन के पास, उसी तरह से मारवाड़ में जालौर और सिरोही जो है वो रख दिए हैं काजी निजामुद्दीन के पास में, और पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये रख दिए हैं वीरेंद्र सिंह के पास। और एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज मुझे ये लगी कि 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के राजस्थान में आधा हिस्सा अकेले वीरेंद्र सिंह सफर करेंगे, क्योंकि दूरियां बहुत हैं, जनसंख्या घनत्व कम है, मतलब ज्यादा है, उनके पास 74 के आसपास सीटें हैं, लेकिन उनको भागना बहुत पड़ेगा। आमतौर पे अगर बीजेपी ये काम करती, जो बीजेपी करती है, जी तो बीजेपी का मैकेनिज्म ये होता है कि जो प्रभारी आए हैं उनका जातीय प्रभाव किस तरफ है, जी बिल्कुल वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने वोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको देखा जाता है। कांग्रेस ये कह सकती है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती, जी नहीं लेकिन जी अंततः जीत सबसे बड़ी जरूरी होती है चुनाव में, और इसको किस तरह से देखा गया होगा। लेकिन जो भी फैसला किया गया, क्योंकि रंधावा साहब तो घूमे नहीं अभी तक राजस्थान में, जी रंधावा तो ज्यादातर जनसभाओं में गए हैं उन्होंने, जनसभाओं में गए हैं और उस तरह से वो और कनेक्ट नहीं कर कांग्रेस का पाए, संगठन भी नहीं है अभी तक, जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई है। तो ये जो फैसला हुआ वो निश्चित रूप से जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सलाह के आधार पर हुआ है। जी सर, इसके अंदर जैसे आप बता रहे हो कि वो जाति का प्रभाव, इसमें ये भी देखा जाता है कि चुनाव होने तक, वोट पड़ने तक किस तरह की भूमिका निभाता है। मसलन कोई बागी खड़ा हो रहा है तो सह प्रभारी का एक प्रभाव होता है कि वो उसे बिठाए, किस तरह से मैनेज करे, कोई खड़ा होने वाला है तो ये सारी चीजें फिर कैसे मैनेज हो पाएगी चुनाव में। इसमें तो अब पूरा वन मैन शो है जो जी लग रहा है, जो जी स्थितियां बन रही है उसमें लगता है कि पायलट के लिए ज़्यादा कोई स्थितियां बचेगी नहीं, जी जी है ना। आने वाले वक्त में हो सकता है उनको कोई बड़ा फैसला करना पड़े, इस तरह की आहट भी अब सुनाई देने लगी है। तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो अकॉर्डिंग वो जो डिजाइन, गहलोत हो रहा है। जी आप ये देखिए कि अचानक एक आंदोलन खड़ा होता है 12% आरक्षण को लेकर के, जी मौर्य समाज, माली समाज, सैनी समाज, जो पूर्वी राजस्थान का वहाँ से आंदोलन होता है। इस आंदोलन के पीछे की अगर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो ये वोट बैंक जो है वो उस तरह से मुखर नहीं होता, उस तरह से उसकी मौजूदगी नहीं होती। लेकिन अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक ये माना जाता है। आरक्षण के बहाने से उस वोट बैंक को मोबिलाइज करना, मोबिलाइज करने की बात हो रही है ना, उनको एक राजनीतिक ताकत बनाने की बात हो रही है। जिस तरह से पायलट के आने के बाद में राजेश पायलट आए, उसके बाद में राजस्थान में गुर्जर एक वोट बैंक बना, एक फोर्स बनी, पहचान बनी अलग से, उसी तरह से माली वोट बैंक पर भी ये काम चल रहा है। ये माली वोट बैंक आप देखेंगे धौलपुर में मौजूद है, करौली में है, सवाई माधोपुर में है, टोंक में, पूर्वी राजस्थान में एक झुंझुनू बड़ा में वोट भी बैंक। कुछ इलाका है जी। तो ये शायद कोशिश ये है कि पायलट की नाराजगी या पायलट की अनदेखी की वजह से एक बड़ा वोट बैंक डिस्टर्ब हो तो उसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जी उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस आंदोलन के जरिए वहां पे एक लीडरशिप क्रिएट की जा रही है, ठीक है, जी और उसके जरिए उसको डैमेज कंट्रोल करने की बात भी होगी, कोशिश होगी। जी प्रोजेक्शन है पूरा। आरक्षण एक जो है एक सबसे बड़ा बहाना होता है आरक्षण का मूवमेंट, जिसके जरिए सेंटिमेंट्स जगाए जा सकते हैं। जी कर्नल बैंसला ने जिस तरह से आंदोलन किया, और यहाँ की अगर पूरी इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो दिल्ली और मुंबई के बीच में, या देश को कनेक्ट करने वाले रेलवे ट्रैक यहाँ पर है, और उस वक्त भी गुर्जर आंदोलन में ये हुआ था। इसी तरह से मालियों को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही, तो एक मैकेनिज्म जो है वो सरकार की तरफ से या कांग्रेस की पर तरफ से गुर्जरों वाला लगातार जो हो रहा आंदोलन है। था सर, वो तो सरकार की ओर से मैनेज नहीं था, क्योंकि वो 2007 में शुरू होता है और सरकार जो है वो उसको अगले बजट में बिल लाने की कवायद करनी पड़ती है। यहां तो ये स्थिति है नहीं, अभी तो बिल आ नहीं सकता क्योंकि वो एक फाइनेंस बिल होगा। देखिए वो उस आंदोलन के पीछे भी एक चीज निकल करके आई थी जी कि ये लगातार एसटी की डिमांड कर रहे थे गुर्जर जी कि उनको एसटी में शामिल किया जाए। उस वक्त सरकार के ही कुछ लोगों ने, जो इस तरह की चर्चाएं उस वक्त आम थी, जी उन्होंने कहा कि पहले कुछ कीजिए तो सही, बिना आंदोलन के कैसे दिया जा सकता है। रोए तो रोए बिना कैसे, हाँ,
माँ दूध पिलाए। लेकिन जब आंदोलन शुरू होता है तो फिर कई बार वो आपके हाथ में नहीं होता कि आप उसको, रिमोट कंट्रोल तो है नहीं कि आप उसको कर सके। भीड़ का अलग मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। इसी तरह से कहीं ना कहीं एक मैसेज रहा होगा कि भाई आपको अगर आरक्षण चाहिए अलग से, विद इन ओबीसी अलग से आरक्षण चाहिए, आप प्रोजेक्शन कीजिए, आप, हम उसे आप अपना आपका एक दबाव समूह तो तैयार करिए, और वो दबाव समूह एक वोट बैंक में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो सरकार के लिए प्रचार समूह का काम करता है बेसिकली, बाद में जब उफान ठंडा होता है। तो ये था आज का धारा प्रवाह, और हमारे साथ थे वरिष्ठ साथी शिवपाल सत्तावत जी। राजस्थान के राजनीति से जुड़े खास मुद्दों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।